हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप अच्छे होंगे। फ्रेंड, आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप अपने फ़ोन में अलार्म सेटिंग कैसे इनेबल करेंगे। तो फ्रेंड, बहुत ही सिंपल सिंपल इजी इजी स्टेप बताएंगे, आपको देखना है और फॉलो करना है। वीडियो की पूरी जानकारी लेने के लिए वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखना। तो फ्रेंड, आपको ऑप्शन देखना मिलता है फ़ोन में सेटिंग, यहाँ से आपको ऑप्शन देखना मिलता है फ़ोन में क्लॉक, तो आपको क्लॉक पे क्लिक कर लेना। क्लॉक पे क्लिक करने के बाद में प्लस के आइकॉन पे क्लिक कर लेना। प्लस के आइकॉन पे क्लिक करने के बाद में यहाँ से आपको ऑप्शन देखना रहता है फ़ोन में। यहाँ से अपने फ़ोन में कोई भी जितना टाइम का अलार्म सेट कर लेना, तो आप यहाँ से अपने फ़ोन में टाइम सेलेक्ट कर सकते हैं, जो भी रखना है। अपने फ़ोन में कोई भी नंबर सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना। सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ से आपको क्लिक कर लेना। क्लिक करने के आप यहाँ से अपने फ़ोन में कोई भी नंबर, जिस दिन की आपको कॉल अलार्म सेटिंग इनेबल करना है, तो आप ऐसे डेसिलेट करके ओके कर देंगे। रिंगटोन पे क्लिक कर लेना। रिंगटोन पे क्लिक करके आप यहाँ से अपने फ़ोन में रिंगटोन चेंज कर सकते हैं। यहाँ से आपको बैक कर देना। बैक करने के बाद में यहाँ से क्लिक कर देना। इस प्रकार अपने फ़ोन में अलार्म सेटिंग इनेबल कर लेना। अलार्म सेटिंग इनेबल करने के बाद में हमारे फ़ोन में अलार्म सेटिंग इनेबल कर लेना। तो अगर फ्रेंड आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो गाइस, तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब।